हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत अपनी ऑर्गेनाइजेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रमुख संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिखो हेडिंग, विश्व के प्रमुख संगठन। देखो, ध्यान देना, पिछली दो कक्षाओं में हम नाटो, आसियान, सार्क, ब्रिक्स आदि संगठनों के बारे में जान चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण संगठन हम आज की कक्षा में जानेंगे। इसमें पहला टॉपिक रहेगा हमारा आज का यूएनडीपी। फुल फॉर्म इसकी सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सबसे पहले इसकी क्या होनी चाहिए, हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों तरह से आने चाहिए। यू से यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान देना, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, 1965। सबसे पहला क्वेश्चन, स्थापना किस वर्ष हुई यूएनडीपी की, 1965। दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहां से कि इसका मुख्यालय कहां पर है। तो दूसरी बात जानने हैं हमको इसमें, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है। मुख्यालय तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। कहां पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। फिर हमें इस संगठन के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसका गठन क्यों करा गया, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। तो ध्यान देना, इसी के नाम में है विकास कार्यक्रम, यानी अंतरराष्ट्रीय विकास को क्या देना, प्रोत्साहन देना। तो उद्देश्य में पहले लिख सकते हो, पहला उद्देश्य है, उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास को, यानी डेवलपमेंट को क्या देना, बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दुनिया के किसी भी देश में और उसके किसी भी क्षेत्र में गरीबी और असमानता में कमी लाना। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, विश्व के सभी देशों में गरीबी, पॉवर्टी और असमानता में कमी लाना, यानी गरीबी को समाप्त करना और समानता को बढ़ावा देना, या दूसरे शब्दों में असमानता को कम करना। ये क्या है, यूएनडीपी के प्रमुख उद्देश्य हैं। इससे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता कि यूएनडीपी द्वारा एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है, उसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी परीक्षा के लिए, हर परीक्षा में सवाल यहां से पूछा जाता। तो ध्यान देना, इसमें अगला पॉइंट लिखना, ये उद्देश्य तो हो जाएंगे इसके, यूएनडीपी द्वारा द्वारा प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक, इसको बोलते हैं एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई रिपोर्ट जारी की जाती है। तो पहला तो क्वेश्चन यही है इंपॉर्टेंट, कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है, तो यूएनडीपी। यहीं से फिर क्वेश्चन बनता है कि इस रिपोर्ट को पहली बार कब प्रकाशित किया गया और इस रिपोर्ट का जनक कौन है, या यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि इस रिपोर्ट के आधार क्या होते हैं, ठीक है ना।
अब किसी देश का विकसित होना या अविकसित होना का नया पैमाना है ये वाली रिपोर्ट, एसडीआई रिपोर्ट। तो ध्यान देना, इस रिपोर्ट को तीन आधार पर क्या करा जाता, प्रकाशित करा जाता। ध्यान देना तीनों। पहला इसका आधार रहेगा जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। इसका अर्थ होता है कि किसी भी देश में व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा क्या है, यानी उसके जीने की आयु क्या है लगभग। जैसे विश्व में अफगानिस्तान की जीवन प्रत्याशा सबसे कम 37 वर्ष है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उस देश में लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छा लोगों को सुविधाएं नहीं है उसमें, क्योंकि टेररिस्ट अटैक का खतरा होता। वहीं पर जापान की प्रत्याशा लगभग 90 के पार है, कि वहां का प्रत्येक व्यक्ति कितने वर्ष जीता, 90 वर्ष। तो जीवन प्रत्याशा देखने का मतलब होता है कि वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं उस देश की, इस बात का अंदाजा लगाया जाता, ठीक है ना। दूसरा इसका जो आधार होता है वो होता है शिक्षा, शिक्षा। शिक्षा मतलब कि वहां की एजुकेशन रेट दर क्या है, यानी कितने लोग वहां पर पढ़े हुए हैं। और तीसरा स्तर होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास वो एजुकेटेड भी है, वो जीवी बहुत लंबे समय तक रहा, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसका जीवन स्तर क्या है, रहने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं उसके पास। तो तीसरा जीवन स्तर, जीवन स्तर। जीवन स्तर का मतलब यह होता है कि कोई अमीर व्यक्ति है, ठीक है ना, उसके पास अपार धन है, परंतु उसका रहन सहन का तरीका वही है, साइकिल से चलता है, अच्छे कपड़े नहीं पहनता, अच्छा खाना नहीं खाता, तो उसको भी हम डेवलप में नहीं गिनेंगे। तो जीवन स्तर देखने का क्या मतलब होता है कि वहां का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है ना। जीवन स्तर मतलब वहां पर क्या क्या उस व्यक्ति को सुविधाएं हैं उस देश में, तो ये सब जीवन स्तर है। अगर किसी देश में ये तीनों, वहां की हेल्थ वहां के लोगों की अच्छी है, वहां का एजुकेशन लेवल क्या है, हाई है, और वहां का लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर भी क्या है, ठीक है, तो उस देश को किसकी श्रेणी में रखा जाता, विकासशील विकसित देशों की श्रेणी में। तो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपोर्ट का आधार क्या है, रिपोर्ट का आधार, आधार तो कितने आधार है, तीन। इन तीनों को नोट करना, जीवन प्रत्याशा, प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा, और तीसरा क्या, जीवन स्तर। जीवन स्तर या इसी को प्रति व्यक्ति आय भी बोल सकते हो, अगर किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय अच्छी रहेगी तो वो कितना खर्च कर पाएगा अपने ऊपर। तो ये तीन चीजें देखी जाती है किसमें, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में। फिर क्वेश्चन ये आता है कि दुनिया में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का जनक किसको माना जाता। तो ध्यान देना, पहली बार ये रिपोर्ट किस वर्ष, 1900, अगर पूछा जाए पहली बार एचडीआई रिपोर्ट, एचडीआई रिपोर्ट पहली बार एचडीआई, तो ध्यान देना 1990 में, किस वर्ष 1990 में प्रकाशित की गई थी, और पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना, महबूब उल हक, ठीक। और दूसरा नाम ध्यान रखना, आमर्त्य सेन, ये भारत के थे, ये पाकिस्तान के हैं और ये भारत। हालांकि जनक किस, जनक किसको माना जाता है इसका, एसडीआई का, पाकिस्तान वालों को, इनको जनक बोलते हैं एसडीआई रिपोर्ट का जनक, परंतु उनके सहयोगी कौन थे, डॉक्टर आमर्त्य सेन, जो इंडिया से थे। तो पहली बार का श्रेय प्रकाशित करने का किसको जाता है, इन दोनों अर्थशास्त्रियों को, ठीक है ना। इन दोनों का नाम आपको क्या रखना, अच्छे से याद रखना, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है महबूब उल हक पर, ध्यान देना, कहां के निवासी हैं, पाकिस्तान के, जो एसडीआई रिपोर्ट के क्या हैं, जनक। तो एक बार फिर से देखते हैं इस संगठन को, इसका शॉर्ट नाम है, एब्रीवेशन में बोलेंगे यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, स्थापना 1965, मुख्यालय न्यूयॉर्क। उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास को प्रोत्साहन देना, गरीबी और असमानता में कमी लाना। प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट जारी करती है मानव विकास सूचकांक, जिसमें कितने स्तर देखे जाते हैं, तीन स्तर, जीवन प्रत्याशा क्या है उस देश की, यानी हेल्थ की क्या स्थिति है, शिक्षा एजुकेशन का क्या लेवल है, और जीवन स्तर यानी उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। इन तीनों के आधार पर ही एसडीआई रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। पहली बार एसडीआई रिपोर्ट कब आई थी, 1990
90 में आई, जिसको किसने प्रकाशित करा था? महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, और डॉक्टर अमर्त्य सेन, पूरा नाम लिख लें इनका, अमर्त्य सेन। इनको क्या मिल चुका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिल चुका डॉक्टर अमर्त्य सेन को। तो इस संगठन को नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम दूसरे संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने एक संगठन के बारे में जाना, उसका नाम क्या था, यूएनडीपी। तो इसको अच्छे से याद करना, तैयार करना, और परीक्षा की दृष्टि से क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला एक संगठन है वाडा। वाडा, WADA, वाडा। सबसे पहले वही, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग, डोपिंग एजेंसी, एजेंसी। आए दिन आप अगर खेल पृष्ठ पढ़ते होगे तो आए दिन छपता रहता अखबारों में कि उस वो व्यक्ति, उस नाम का व्यक्ति, जैसे भारत की एक खिलाड़ी है दुती चंद, उनका डोप टेस्ट के कारण वो चर्चा में रहती है। तो ध्यान देना, डोप टेस्ट होता खिलाड़ियों का, डोप टेस्ट मतलब कि उसने किसी प्रकार का ड्रग्स का तो सेवन नहीं करा खेलने से पहले, तो उसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता, डोप टेस्ट। और वर्ल्ड लेवल पर जो संस्था इसको कराती है उसका ही नाम क्या है, वाडा, ठीक है ना। तो सबसे पहले वही जानेंगे हम इसके बारे में, स्थापना इसकी कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1999 में, ठीक। पहला क्वेश्चन वही कि वाडा की स्थापना किस वर्ष हुई, 1999। दूसरा क्वेश्चन कि वाडा का मुख्यालय कहां पर है, पूछा जाएगा मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, किस देश का शहर है, कनाडा। मॉन्ट्रियल को विश्व में कागज उत्पादन के लिए, जो अखबारी कागज होता, तो किस शहर को जाना जाता है, मॉन्ट्रियल को। तो दूसरा पॉइंट इसका बनेगा मुख्यालय से। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये इसका उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य मैंने तुम्हें बता ही दिया, उद्देश्य खिलाड़ियों, खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट कर, डोपिंग टेस्ट कर, टेस्ट कर क्या करना, खेल भावना को बनाए रखना, भावना को बनाए रखना, बनाए रखना, ठीक। और ये टेस्ट बिना बताए कभी भी किया जा सकता किसी भी खिलाड़ी का। अगर 10 साल बाद भी पता चले कि उसने ओलंपिक में मेडल जीता था रनिंग में, एथलीट में, और उसने किसी ड्रग्स का इस्तेमाल किया था, तो उसका मेडल भी क्या हो जाता, वापिस हो जाता, ध्यान देना। तो खेल भावना को बनाए रखना क्या करना, डोपिंग टेस्ट। और इसमें होता क्या है, यूरिन टेस्ट होता, उसका क्या होता, यूरिन टेस्ट के माध्यम से किसका पता पड़ जाता, किसी प्रकार की, प्रकार की ड्रग्स, जैसे स्टेरॉइड तो नहीं ले लिया उसने एनर्जी बढ़ाने के लिए, तो इसका पता लगाया जाता है किसके द्वारा, वाडा के द्वारा। ध्यान देना, जिस तरह विश्व स्तर पर वाडा काम करती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर भारत में नाडा, ठीक है ना। तो इसके बारे में जान लेना, नोट करके लिख लेना इसी पर, भारत में वाडा की तरह, वाडा की तरह नाडा, NADA, नाडा, नाडा मतलब नेशनल डोपिंग, हाँ, नेशनल एंटी डोपिंग, फुल फॉर्म बहुत आसान है, एंटी डोपिंग एजेंसी, एजेंसी कार्य करती है, क्या करती है, कार्य करती है, ती है, जिसका मुख्यालय
अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कैपिटल नई दिल्ली में है, जिसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली। तो ये पॉइंट याद रखना, पूछा जा सकता कि नाडा का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली, और वाडा का मॉन्ट्रियल। तो ये डोप टेस्ट कराने वाली एजेंसी है नाडा और वाडा, एक इंटरनेशनल पर है और एक नेशनल पर। अगला जो हम तीसरा संगठन जानेंगे, इब्सा, 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 ये भी इंपॉर्टेंट है। इब्सा पूछ लिया जाता, इब्सा में एक बार क्वेश्चन ऐसे बना है, ये देखा संगठन का नाम कि इसमें बी का क्या अर्थ है, या आई का क्या अर्थ है, या एस ए का क्या अर्थ है। तो इसकी क्या होनी चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सबसे पहले हमें, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम, डायलॉग फोरम, फोरम, ठीक है। तो ये क्या है, इब्सा फोरम, ठीक। तो आई से क्या बनेगा, इंडिया, बी से ब्राजील, एस ए से साउथ अफ्रीका। ध्यान देना ये तीनों देश, अगर नक्शे में इन तीनों को आप देखोगे तो अगर हम दुनिया को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट दें तो ये तीनों कहां पड़ते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका जो उद्देश्य था ये था दक्षिणी दक्षिणी सहयोग को बढ़ावा देना, यानी जो देश दक्षिण में, इनमें तीनों में से कोई भी देश उत्तरी गोलार्ध में नहीं आता। तो सबसे पहले वही जानना, स्थापना, स्थापना किस वर्ष हुई, तो 2003 में, और ब्रासिलिया घोषणा पत्र के द्वारा, ब्रासिलिया घोषणा पत्र के द्वारा। और ब्रासिलिया किस देश की राजधानी है, ब्रासिलिया ब्राजील की राजधानी है, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। ब्रासिलिया किस देश की कैपिटल है, ब्राजील की। तो उस घोषणा पत्र के द्वारा कौन सा संगठन चर्चा में आया, इब्सा। दूसरा, इसका कोई परमानेंट क्या हेडक्वार्टर नहीं है, जिस देश के पास इसकी अध्यक्षता होती है वही वहीं पर उसका टेम्परेरी क्या बना दिया जाता है, हेडक्वार्टर। तो इसका हम मुख्यालय हमें जानने की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा पॉइंट जानना है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य लिखना, उद्देश्य दक्षिण दक्षिण, क्योंकि मैप में देख रहे हैं इन देशों को, दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना। देखो इसमें ब्रिक्स के तीन देश शामिल हैं, ब्रिक्स में कौन कौन से दो देश और हैं, रूस और चाइना। तो ध्यान देना ये भी क्या है, दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जो इमर्जिंग कर रही है, जो तेजी से डेवलपमेंट कर रही है। तो ये भी लिख लेना, यह दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, व्यवस्थाओं, व्यवस्थाओं का क्या है, समूह। तो पॉइंट याद रखना, ठीक। तो इसमें हमने मोस्टली दो संगठनों के बारे में पढ़ा, वाडा, इसी में एक याद रखना नाडा, जब वाडा के बारे में पढ़ाएंगे तो नाडा के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना, और एक इब्सा। दोनों ही संगठन क्या है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनका स्क्रीनशॉट लो, हम फिर आगे चर्चा करेंगे। अब हम इसमें ही संगठनों में कुछ पर्यावरण से संबंधित संगठन देखेंगे, जो यूपी टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए यहां से तो इंपॉर्टेंट है ही, और अन्य परीक्षाओं में भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम अब कुछ पर्यावरण से संबंधित संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऐसा संगठन ध्यान रखना, तीसरा संगठन, चौथा, सॉरी, तीन हम पढ़ चुके हैं आज के, चौथा IUCN, IUCN, ठीक है। तो सबसे पहले वही, इसकी फुल फॉर्म लिखो, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल यूनियन, यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन,
व्यसन फॉर नेचर। तो इससे भी समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण करना, ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का। तो ये कैसी संस्था है कि प्रकृति के संरक्षण से संबंधित संस्था है, पहला पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना। तो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले पहला पॉइंट, प्रकृति के मनुष्य को प्रकृति का दोहन कितना करना चाहिए और उसके दोहन से कैसे बचा सकता है। तो प्रकृति के संरक्षण से संबंधित संबंधित प्रमुख क्या है, ये प्रमुख संगठन, ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, स्थापना 1948, ठीक। अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहां पर है, आयुषियन का मुख्यालय, तो याद रखना एक शहर है ग्लैंड, और ये ग्लैंड किसका शहर है, स्विट्जरलैंड देश का, तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में, इतनी इसकी फुल फॉर्म भी नहीं पूछी गई, क्या मुख्यालय भी नहीं पूछा गया, ये एक पुस्तक जारी करती है रेड डाटा बुक, इसके द्वारा एक पुस्तक जारी करी जाती है जिसका क्या नाम है, रेड डाटा बुक। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इसके द्वारा क्या, रेड डाटा बुक जारी की जाती है जो किससे संबंधित है, कोई भी ऐसा प्लांट या एनिमल, यानी कोई भी ऐसा पौधा या जंतु जो क्या हो, विलुप्त प्राय हो, यानी विलुप्ति की कगार पे हो, या संकटग्रस्त हो, ठीक। तो ध्यान देना, जो विलुप्त प्राय संकटग्रस्त, जो समाप्त होने की कगार पर, संकट में है, जिसके आवास को खतरा है, ठीक, जंतु एवं पौधों से संबंधित होती है, ठीक। देखो एग्जांपल से समझना, जैसे एक पक्षी होता गिद्ध, ठीक है, तो गिद्ध पहले नजर आते थे, अब गिद्ध नजर नहीं आते, तो IUCN ऐसे किसी भी जीव को या प्लांट को क्या कर देगा, अपनी रेड डाटा बुक में पिंक कलर से, गुलाबी पृष्ठ पर दर्शाएगा उसको, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी प्लांट कैसी पृष्ठ पर दर्शाया जाएगा, गुलाबी पृष्ठ पर, पिंक पृष्ठ पर, और जब वो संख्या में ठीक ठाक हो जाएगा, यानी उसकी जनसंख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो उसको फिर किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्रीन यानी हरे कलर के पृष्ठ पर। तो ध्यान देना, इसमें क्या करा जाता है, जब संकटग्रस्त होती है वो, या विलुप्त प्राय तो उसको कैसे, गुलाबी पृष्ठ पर दर्शाया जाता, गुलाबी पृष्ठ पर, ठीक। और जब खतरा टल जाएगा, खतरे से बाहर है वो जीव, तो उसको फिर हरे पृष्ठ पर दर्शाया जाता। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, यही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, IUCN। अगला जो याद रखना है इसी में, एक संगठन पांचवा हम पढ़ेंगे, एक संघ है WWF, क्या है WWF, या इसी को क्या बोल देते हैं, विश्व वन्य जीव कोष, ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष, तो इस नाम से भी याद आता, वाइल्ड
वाइल्ड लाइफ फंड, कभी कभी तो आपको सिर्फ इतना लिखा मिलेगा और कभी कभी फॉर नेचर भी इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी गलत नहीं है, वास्तव में इसका नाम यही है, परंतु हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, WWF। तो इसके बारे में भी सबसे पहले हमें क्या जानना कि ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्या है, संगठन है। तो पहला पॉइंट पर्यावरण से संबंधित संगठन, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वही कि स्थापना कब हुई, स्थापना तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 1961 में, ठीक है ना, 1961, और कहीं कहीं कुछ बुकों में 62 भी लिखा हुआ। तो अगर ये दोनों ऑप्शन ऐसे नहीं आएंगे 61-62, या तो 61 ही आएगा या 62 ही आता है, ये ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट, इसका मुख्यालय कहां पर है, ठीक है ना, मुख्यालय, मुख्यालय तो सैम शहर जो ग्लैंड है, किसका, स्विट्जरलैंड का, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, तो यही इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता कि WWF का प्रतीक क्या है। देखो ध्यान देना, सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही बनता है इसमें भी, जैसे इसमें रेड डाटा बुक बनता है तो WWF का प्रतीक पूछा जाता, तो इसका प्रतीक है जॉइंट पांडा। प्रतीक क्या है इस संगठन का, प्रतीक जॉइंट, जॉइंट पांडा। देखो लाल पांडा जैसे चीन और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, भालू की तरह का जीव होता है ये, तो ये सुस्त जीव है, अपनी सुस्तता के लिए जाना जाता है, आलसी जीव के लिए, तो जॉइंट पांडा क्या है इसका प्रतीक। वही क्वेश्चन ध्यान रखना, स्थापना, मुख्यालय और रेड डाटा बुक, ये वाला IUCN से। तो ये किससे थे संबंधित, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संगठन थे। इसी में हम आगे पढ़ेंगे, पहले इनका कह लो आप स्क्रीनशॉट लें। अब एक संगठन इसी में आता है UNEP, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो अगला संरक्षण लिखें, अगला UNEP, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम नेशंस, हाँ नेशंस आता क्योंकि बहुत सारे देश में जुड़े होते हैं नेशंस, ठीक। हिंदी में भी लिख लेना, कभी कभी हिंदी में याद हो जाए। वैसे तो किसी भी शॉर्ट नेम की फुल फॉर्म हमें इंग्लिश में पता होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी में अलग नाम भी आ सकता है और इंग्लिश में हमेशा वही नाम आएगा, और पेपर जो कोई भी आता है एग्जाम, तो ध्यान देना वो बाइलिंगुअल आता है, इधर इंग्लिश दी होती है और उसके निर्देशों में लिखा होता है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कौन सी लैंग्वेज मान्य होगी जो इंग्लिश में छपा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। परंतु फिर भी लिख लो पूरा, इसका एक नाम है संयुक्त, इंग्लिश हिंदी में जो बोलते हैं राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक, ये पॉइंट याद रखना। इसमें भी सबसे पहले हमें वही क्वेश्चन ध्यान रखना कि इसका क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही बनेगा, स्थापना 1972। फिर दूसरा क्वेश्चन, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय तो ध्यान देना इसका मुख्यालय कहां पर है, नैरोबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नैरोबी। और ये किस देश की राजधानी है, कीनिया या केन्या, ये अफ्रीका का एक देश है, कीनिया भी बोल देते और ये ऐसे भी लिखा जा सकता, तो एक देश की राजधानी भी आपको याद हो जाएगी इसमें, और ये राजधानी पूछी भी जाती है, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है केन्या, ठीक है। अगर तुम 2000 के आसपास क्रिकेट देखते हो तो केन्या की एक टीम होती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम, जिसको ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हरा पाती थी, ध्यान देना। तो ये वही देश है केन्या,
अब इसका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्या हो चुका, अब एक प्रकार से नष्ट ही हो चुका, अब वहां की इतनी टीम क्रिकेट चर्चित नहीं है। फिर इसके बारे में जो ध्यान रखना है, यह भी क्या है, यह भी पर्यावरण संरक्षण का एक क्या है, संगठन। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संगठन। तो ये अभी तक जो तीसरा संगठन चल रहा है, ये किससे संबंधित है, एनवायरमेंटल से, ठीक है, पर्यावरण से। इसी में जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक पुरस्कार प्रदान करती है, ठीक है ना, और उस पुरस्कार का नाम क्या है, ग्लोबल 500, और वर्तमान में उसको हम जानते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में। तो ध्यान देना, यह संस्था पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान करती है, ठीक है, जिसे अब किस नाम से जाना जाता, चैंपियन ऑफ द अर्थ, जिसे अब चैंपियन ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, या पृथ्वी का चैंपियन मतलब के नाम से जाना जाता है। कुछ दिन पहले, लगभग 2018 शायद या उसके बाद, देख लेना, यह पुरस्कार भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदान किया गया था, और किसके साथ, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, इमैनुअल मैक्रों के साथ। तो ये ध्यान रखना, चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये मोदी जी को मिल चुका है ये पुरस्कार, क्योंकि हम मोदी जी ने एक संगठन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के निर्माण में फ्रांस और भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए, तो उनको ये पुरस्कार दिया जा चुका। तो इसको ध्यान रखना, ये पूछा जाता है बार बार, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, यूएनईपी, इसका मुख्यालय नैरोबी कहां पर, केन्या में। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक। इसी में अगला एक संगठन पढ़ेंगे हम, ग्रीन पीस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अगर मुख्यालय की बात करें तो यूएनईपी और ग्रीन पीस का मुख्यालय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो ग्रीन पीस क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जाने नहीं, ग्रीन पीस ये एक प्रकार का क्या था, एनजीओ था, गैर सरकारी संगठन। क्या है, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ होता है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका सरकार से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहता, ठीक। तो इसके बारे में पहले लिखना, यह एक प्रकार का एनजीओ, यानी गैर सरकारी संगठन। जैसे भारत के वाटरमैन कहे जाने वाले राजेंद्र प्रसाद जी का एक एनजीओ चलता है, तरुण भारत संघ, जो जल संरक्षण के दिशा में काम करता है। इसी प्रकार गांव में शौचालय के लिए सुलभ शौचालय, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, गैर सरकारी संगठन, ये सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं होते, किसके द्वारा, निजी संस्थाओं द्वारा संगठन है, ठीक। जो प्रारंभ में था ग्रीन पीस, तो ग्रीन पीस का उद्देश्य था कि परमाणु जो नाभिकीय हथियार होते हैं उनके परीक्षण को रोकना, तो उसके विरोध में ये लोग आंदोलन करते थे, जो इस किससे, एनजीओ से जुड़े होते थे। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो कहां पर हुई थी, वैंकूवर कनाडा में, परंतु स्थापना इसकी यहां पर हुई, परंतु जो इसका मुख्यालय, वो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता, मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, एम्स्टर्डम, ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, एम्स्टर्डम, और ये नीदरलैंड, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, वन लाइन में आता है, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहां है, तो एम्स्टर्डम में, ठीक। और कार्य इसके जान लेना, प्रारंभ में इसका काम क्या था, जो न्यूक्लियर हथियार होते हैं उनके परीक्षण को रोकना, रुकवाना मतलब विरोध करना, और अब है पर्यावरण संरक्षण। तो ये भी लिख लेना,
प्रारंभ में यह एनजीओ नाविकीय हथियारों हथियारों के परीक्षण का विरोध करता था, विरोध ठीक। अब क्या है? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। तो अब ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये याद रखना है, ग्रीन पीस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्यालय। अगर कुछ भी याद ना हो तो कम से कम मुख्यालय याद कर लेना, और ये याद कर लेना कि ये एक प्रकार का पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ एनजीओ है। सिर्फ दो पॉइंट याद रखना। तो ये चार संगठन IUCN, WWF और तुम्हारा UNEP और ग्रीन पीस, ये चारों किससे जुड़े हुए हैं? ये चारों पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण संगठन, ठीक है। इसको नोट करें, फिर हम अन्य के बारे में जानेंगे। नोट करो, ध्यान देना, एक जो संगठन है आर्कटिक परिषद, आर्कटिक परिषद, आर्कटिक परिषद, यह भी इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक परिषद, आर्कटिक परिषद, देखो ध्यान देना, अगर ये ग्लोब है, इस पर यह पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। तो ये वाला ऊपर वाला जो ध्रुव है, इसका नाम क्या है? आर्कटिक क्षेत्र। क्या है? आर्कटिक क्षेत्र, क्योंकि आर्कटिक महासागर से लगे हुए देश यहां पर पड़ते हैं, तो इस क्षेत्र को आर्कटिक क्षेत्र बोलते हैं। और साउथ पोल को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक। तो ध्यान देना, आर्कटिक ये किस कैसा संगठन है जिसमें आर्कटिक क्षेत्र के देश और वहां के स्थानीय निवासियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसका गठन करा गया? आर्कटिक परिषद का। तो पहला पॉइंट इसमें याद रखना, स्थापना, स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, और किसके द्वारा? ओटावा घोषणा पत्र के द्वारा, ठीक, ओटावा घोषणा पत्र के द्वारा। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना, इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ट्रोम्से, ट्रोम्सो, ट्रोम्सो। और ये कहां पर पड़ता है? नॉर्वे में, नॉर्वे, ठीक। ये शहर कहां पर है? नॉर्वे। सदस्य देश, तीसरा पॉइंट, सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो ध्यान देना, इसमें आठ सदस्य देश हैं। कितने? आठ। तो आठ सदस्य देश कौन कौन से हैं? ध्यान देना, मैप में इन देशों को सभी को देखना आज अपने में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के में। सबसे पहला देश कनाडा, अमेरिका मतलब USA, रूस, ठीक, ग्रीनलैंड। देखो ग्रीनलैंड कोई देश नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अलग से लिख लेना, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। जो ज्योग्राफिकली तो उत्तरी महाद्वीप का हिस्सा है, परंतु पॉलिटिकली, क्योंकि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। तो जो यूरोपीय देश है डेनमार्क, उसके अधीन है कौन सा? ये ग्रीनलैंड। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ऐसा देश जो ज्योग्राफी यानी भूगोल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और वैसे राजनीतिकली किससे है? डेनमार्क का हिस्सा, तो वो है ग्रीनलैंड। इसी में स्वीडन, नॉर्वे, ठीक, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और एक है देश तुम्हारा फिनलैंड, और एक आइसलैंड, ठीक।
अब ध्यान देना, ये इसके क्या है, सदस्य देश, परमानेंट सदस्य देश। भारत जो है इस संगठन में पर्यवेक्षक है, ऑब्जर्वर है सिर्फ, पर्यवेक्षक देश। कितने टोटल? 13 पूछा जाता, और 13 में भारत भी शामिल, भारत भी शामिल, ठीक। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि यहां पर जो बर्फ जम रही हुई आर्कटिक क्षेत्र में, तो यह संसाधन के असीम अवसर है। वहां पर तेल निकलेगा, गैस निकलेगी, प्राकृतिक गैस, और भी खनिज क्या है आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाएंगे, तो इनका दोहन किस प्रकार करना है ये सब डिसाइड करेंगे ये सब इस सदस्य लोग। भारत अभी इसका परमानेंट सदस्य हुआ नहीं है, जो 13 पर्यवेक्षक देश है उन्हीं में भारत भी शामिल है, 13 में, ध्यान देना, पर्यवेक्षक देश और भारत भी इसमें शामिल है। तो अगर तुमसे कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पर्यवेक्षक देश भारत किसका परमानेंट सदस्य नहीं है, आर्कटिक परिषद का, और कौन सा दर्जा मिला हुआ पर्यवेक्षक का, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है, सभी को इतना क्लियर। अब देखो अगले, ध्यान दें इसको, नोट करें, फिर हम अगले संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देना, एक संगठन है G7, G7 इसको बोला जाता ग्रुप 7, ग्रुप 7, ठीक। तो इसके बारे में देखो ज्यादा बातें ध्यान नहीं रखनी है, जो दुनिया की सबसे विकसित 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक क्या है संगठन, तो पहला पॉइंट। इसके आगे सबसे पहले स्थापना लिख लेना, 1975 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है कहीं पर भी। तो सबसे पहला, दुनिया की 7 सबसे उन्नत व विकसित अर्थव्यवस्थाओं का क्या है संगठन, जिसको ग्रुप 7 या G7 के नाम से जाना जाएगा। सबसे पहला पॉइंट यह है। अब वो है कौन कौन से देश सदस्य जो 7 हैं सदस्य, तो देखो 3 तो वो देश हैं इसमें जो यूएन के भी सदस्य हैं, तो सबसे पहले उनका नाम याद करना, ट्रिक यही है, पहले यूएसए यानी अमेरिका, ठीक, अमेरिका वैसे लिखे देता हूं, फिर ब्रिटेन मतलब यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, फिर इसी में एक देश है फ्रांस, तो 3 तो वो देश हैं जो यूएन के सदस्य हैं। रूस और चाइना इसमें शामिल नहीं है, रूस इसमें शामिल था, इसको G8 के नाम से जाना जाता था, परंतु जब 2014 में जिस प्रकार रूस अब यूक्रेन पर हमला करके उसके क्षेत्रों को कब्जा रहा, उसी प्रकार वो 2014 में यूक्रेन से क्या छीन चुका, क्रीमिया, तो जैसे ही उसने पहले क्रीमिया से 2014 में क्रीमिया को छीना, तो उसको रूस को इससे निलंबित कर दिया। उसके अतिरिक्त इसमें कनाडा, इटली, जर्मनी और जापान। तो ट्रिक कैसे याद रखोगे, शायद 7 हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे याद रखते हो, पहले यूएन वाले परमानेंट याद रखो, 3 जो हैं यूएसए, यूके और फ्रांस, फिर उसके बाद कनाडा जो यूएसए के तुरंत ऊपर है मैप में, फिर तुम जानते हो इटली, जर्मनी, जापान, ये एक साथ लड़े हैं हमेशा प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है ना। तो इटली, जर्मनी, जापान को इनको ऐसे याद रख लेना, ये धुरी राष्ट्रों में थी, तो ये याद हो जाएगा, लिंक भी बढ़ रही है, जर्मनी जापान दोनों आएंगे इसमें, ठीक। तो ये थे इसके सदस्य देश, परमानेंट इसका हेडक्वार्टर कहीं पर है नहीं, ठीक। और आज के लिए हम लास्ट संगठन देखेंगे G20 ग्रुप 20, इसका पूरा नाम क्या है, ग्रुप 20, ध्यान देना, क्योंकि ग्रुप 20 इस बार चर्चा में रहने वाला है, क्योंकि G20 का 2023 का सम्मेलन भारत में आयोजित होगा, ध्यान रखना, कहां पर होगा, भारत में, और ये अलग अलग स्थानों पर होगा, जैसे कश्मीर में भी कुछ हमने आयोजन, कुछ मीटिंग फिक्स कराई है, तो इसका पाकिस्तान ने क्या करा, विरोध, और G20 देशों से अपील करी है कि इसका क्या करें, बहिष्कार। तो ये चर्चा में रहेगा इस साल संगठन, तो इसके बारे में जानना हमको चाहिए। देखो ध्यान रखना, इसका भी कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है G20 का, सिर्फ इसकी भी स्थापना याद रख लेना, सबसे पहले 1999 में इसकी स्थापना हुई है, 75 में G7 की, 99 में G20 की। इसके देशों को हम कैसे याद रखेंगे,
क्योंकि सारे 20 देश हमको याद नहीं रह सकते, ठीक है। तो ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट देश हम यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले तो यही, जब G7 याद करो तो इसमें G7 के सभी देश, तो 7 देश याद हो गए हमें। G20 में कैसे याद करोगे कि G7 के सभी देश किसमें है, G20 में भी है। G7 में भारत नहीं है, पूछा जा सकता G7 में भारत है, G7 में नहीं है, G20 में है। तो अगला देश क्या याद रखोगे, भारत। तो एक देश याद हो गया, ठीक। भारत के साथ चीन, भारत का मित्र रूस, ठीक, रूस इसमें शामिल है। उसमें ये लिख लेना ऊपर वाले पॉइंट में, एक अगले संगठन में पहले इसे G8 कहा जाता था। 2014 में रूस बाहर, चलो अलग लिखवा देंगे इस पॉइंट को ऊपर की तरफ, G8 कहा जाता था, ठीक है। और यहां पर लिख लेना 2014 में अलग से नोट करके रूस को क्या कर दिया इस संगठन से, रूस को बाहर। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, किस देश को बाहर निकाल दिया, रूस को। और बात चल रही है कि अगर ये युद्ध विराम नहीं हुआ तो रूस को इतना दरकिनार कर दिया जाएगा कि UN से परमानेंट सीट से हटा दिया जाएगा, G20 से बाहर करा जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, रूस को बाहर क्यों कर लिया, क्योंकि उसने क्रीमिया को छीन लिया था, क्रीमिया को, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। क्रीमिया को हड़प लिया था यूक्रेन से ही, तो तब से इसको G7 से बाहर कर दिया। तो हम बात कर रहे थे G20 की, तो इसमें G7 वाले सभी देश हैं, फिर भारत है, चीन है, रूस है, इसी में मैक्सिको है, इसी में तुर्की, और तुर्की मतलब आजकल नाम क्या, तुर्की, इस देश ने अपना नाम बदल लिया, तुर्की। तो ये याद रखना, जितने याद रह जाए उतने याद रखना। ब्राजील एक बार पढ़ लेना तब विकल्प हो जाता है, कभी 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 ऐसा आ जाता है। हालांकि भारत पर सवाल बनेगा कि भारत G20 में है या नहीं, तो ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको आ गया, दक्षिण कोरिया, कितने हो गए, 16। उसके बाद इंडोनेशिया, ठीक। तो अभी तक कितने देश हुए, भारत, चीन, रूस, मैक्सिको, तुर्की, सऊदी अरब हो गया क्या, तो एक देश सऊदी अरब है इसमें, सऊदी अरब, ठीक। और एक ध्यान देना, एक इसमें 19 तो देश हैं और एक संगठन है, और एक संगठन है यूरोपियन यूनियन, ठीक, यूरोपियन, इसको ईयू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईयू, ठीक। तो ये याद रखना। तो अभी तक इसमें कौन कौन से देश आए, 7 तो ये आए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और एक 19। अब 20 में एक देश रह गया जिसका आपको आंसर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विश्राम देंगे, सभी को धन्यवाद।